कुरान पाक की आयत आपको बता रहा हूँ। वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला, घरेलू झगड़ों के लिए, घर की नफरतों के लिए, घर की उलझनों के लिए, घर की नोक झोंक के लिए, घर के अमन बर्बाद हो गया है किसी बहू के आने की वजह से, या किसी दामाद के आने की वजह से, या किसी नौकर की वजह से, या बीवी मियां की वजह से, या आपस में बच्चों के किसी वजह से नफरत है घर में। मैं आपको फिर कह दूं, मैं वजीफे बनाता नहीं हूं, बताता हूं। अकाबर की मेरे हर वजीफे की सनद है। अगर देखनी है तो आप फेसबुक व्हाट्सएप पे इंग्लिश में लिखें अकाबर पर एतमाद, बस ये लफ्ज लिखेंगे, सारे मेरे वजीफों के हवाले रेफरेंस कुरान से, हदीस से, मुहद्दिसीन मुफस्सरीन से, अकाबर से मिलेंगे। मैं डाकिया हूं, मैं तो अपने बड़ों के पैगाम इंसानियत के अमन के लिए, आलम के अमन के लिए, घरों के अमन के लिए, दिलों के अमन के लिए, मोहब्बत और प्यार के लिए, इंसानियत के लिए, ये मेरा उन्वान है। और कुरान और हदीस है ये आयत, वल्लाहु अशद्दु बासन। मेरी मिन्नत है आपसे, दरखास्त है आपसे, जिनको ये आयत याद नहीं है वो जरूर याद करें। इसको एक तस्वीर पढ़ लें हर नमाज के बाद, इसको खुला पढ़ते रहें, मियां बीवी बच्चे, इसको उठते बैठते पढ़ते रहें, इसे वजू पे वजू पढ़ते रहें। अगर केस शिद्दत का हो, हिद्दत का हो, और घर में या आपस में फैमिली सिस्टम टूट रहा है, तो फिर इसको बहुत ज्यादा दिन रात सांस की तरह पढ़ें। वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला।